बांसवाड़ा के पाटन थाना क्षेत्र के जोकड़ीमाल गांव में एक पिता ने पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक नातू और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो रहा था और इसी बीच उसका बड़ा बेटा रमेश बीच बचाव करने आया और अपनी मां का पक्ष लिया। इसके बाद पूरा परिवार गांव की एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चला गया। रात करीब 2 बजे रमेश घर लौट रहा है और उसने गेट खोलने के लिए आवाज लगाई। इसके बाद गुस्साए पिता ने अपने बेटे पर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रमेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दो बजे बाप ने बेटे को बंदूक से फायर करके घायल कर दिया। बेटे का नाम रमन है और बाप का नाम है नाथू। फिर उसका छोटा भाई उसको घायल के दौरान उसको लेके गए तो वहाँ कुशलगढ़ हॉस्पिटल लेके वहाँ से रेफर कर दिया, यहाँ ले आए, यहाँ भर्ती कराया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। घरेलू विवाद को लेकर बाप ने बेटे पे फायर किया है। शाम को पति पत्नी का विवाद हो रहा था, जिसमें इसने बच्चे ने बीच बचाव किया था। और फिर ये दिन में रात में एक वहाँ नौतरे का प्रोग्राम था, वहाँ गए सब और बाप अकेला ही घर पर था। रात को 2 बजे ये आए तो इसने आवाज़ लगाई भी कौन है, तो लड़के ने बताया कि मैं हूँ रमन, तो बाप ने बंदूक से फायर कर दिया। तो सुनावने किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और इस दौरान यह भी कहा जा सकता है कि गुस्साए पिता ने जो गोली चलाई वो शायद डराने के लिए चलाई गई हो, लेकिन वो गोली सीधे बेटे को लगी। उसके बाद आस पड़ोस के लोग गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंचे और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस शख्स की जान चली गई। एक पिता अपने ही बेटे का हत्यारा बन गया है। जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक मृतक के माता पिता आपस में विवाद कर रहे थे, उनके बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बतौर बड़े बेटे उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और जिम्मेदारी को निभाते हुए बीच बचाव कराया, लेकिन इसकी वजह से शायद पिता गुस्से से भर गया। शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पूरा परिवार बाहर गया और जब वो शख्स वापस घर लौटा तो पिता ने गुस्से में गोली चला दी और इसकी वजह से युवक की मौत हो गई। 25 साल के आसपास युवक की उम्र बताई गई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में ले चुकी है। एमजी अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए शव को रखा गया है और यह पूरी घटना बांसवाड़ा के पाटन क्षेत्र की है, जहां पिता ही अपने बेटे के लिए जमराज साबित हुआ है। गोली मारी और गोली की वजह से बेटे की मौत हो गई। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम, कोई समझ नहीं पा रहा कि यह घटना किस तरीके से घटी। क्या वाकई में एक पिता अपने ही बेटे की, जवान बेटे की इस तरीके से हत्या कर सकता है। रात करीब 2 बजे के आसपास की यह घटना है। जो मृतक है उसका नाम रमेश बताया जा रहा है, घर का बड़ा बेटा है। मेरे सहयोगी अनुपम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या सिर्फ इतनी ही घटना जिसमें एक पिता अपने ही बेटे का हत्यारा बन गया, या आपको लगता है कि अंदर खाने अभी बहुत कुछ छुपा है जो अभी बाहर आना बाकी है? जी, ये जो मूल घटना हुई है उसके पीछे ये था कि पत्नी और पति पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की और माँ का पक्ष ले लिया, इससे पिता गुस्सा हो गया। और पहले भी जो गांव वाले अन्य लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिता झगड़ालू और हमेशा झगड़ा करता रहता था, शराब का भी सेवन करता था, जबकि रमेश जो कि मृतक है वो एक सीधा साधा लड़का था और पूरे घर के लिए सोर्स ऑफ इनकम उसी की तनख्वाह थी, क्योंकि वो एक लग्जरी बस पर खल्लासी का काम करता था। जितना भी घर का खर्चा होता था टोटल यही चलाता था, यही कमा कर देता था। पर चूंकि पिता गुस्से वाला था और शराब का शौकीन था, इसलिए उसने इस घटना को कारित किया है। और इससे भी बड़ी बात, शुक्रिया।